हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत है फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं एयर कंडीशनर के कुछ पार्ट्स के बारे में। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था HP LP AC में क्यों लगाया जाता है, इसे अगर ये नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं HP LP के, इसका क्या ना पूरा नाम क्या है। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। HP LP क्या है, HP क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या रहता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप ये वीडियो नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें जिससे और लोग भी सीख सके, देख सके। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। हम आपके लिए हेल्प के लिए कुछ आइडियाज़ बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। जैसे आप एसी टेक, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कोई सा भी टेक्निकल वर्क करते हैं, हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके। आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप देख सकते रहेंगे ये HP LP स्विच है। HP LP का पूरा नाम होता है, HP मींस होता है हाई प्रेशर स्विच, LP मींस हो जाता है लो प्रेशर स्विच। यह जो है एक दोनों एक सेफ्टी डिवाइस है जो एयर कंडीशनर में यूज होता है। छोटा एसी या बड़ा एसी कोई सभी सभी एसी में ज़्यादातर ये यूज होता है। ये इसका नाम जो है HP और LP शॉर्ट में कहा जाता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्विच है। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगर सिस्टम में एयर कंडीशनर में अगर हमारा गैस का प्रेशर अगर लो हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, तभी भी हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, या फिर वर्क करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता रहेगा, बहुत सारे नुकसान हो सकते रहेंगे, पार्ट्स डैमेज हो सकते रहेंगे। या फिर सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, गैस ज़्यादा हो जाएगा, वो कंडीशन में भी सिस्टम में हमारा एयर कंडीशनर जो भी रहता है उसके बहुत से डैमेज हो सकते हैं, पार्ट्स खराब हो सकते रहेंगे। ये सब कुछ सेव करने के लिए ये HP LP स्विच जो प्रेशर स्विच है ये सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है। इसका ये लगाया जाता है जैसे कि एग्जांपल हमारे सिस्टम में अगर गैस लो है, अगर लो रहेगा तो सिस्टम में हमारा कंप्रेसर चलेगा, उसमें कूलिंग नहीं होगा, या कंप्रेसर गर्म होगा, या मैकेनिकल सिस्टम कंप्रेसर का ख़राब हो सकता रहेगा, या और भी बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते रहेंगे, तो जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता रहेगा। उसको सेव के लिए जो है LP स्विच लगाया जाता है। LP स्विच जो नॉर्मली हमारा आता है 25 या 35 PSI पर वर्क करता है, यानी कि 25 हो सकता रहेगा किसी में या 35 PSI में, उससे 35 PSI से नीचे अगर गैस जाएगा तो कंडीशन में ये ट्रिप कर जाएगा, कट ऑफ कर जाएगा, जिससे हमारा सिस्टम नहीं वर्क करेगा और सेफ हो जाएगा, बच जाएगा एसी डैमेज, कंप्रेसर वगैरह और बहुत सी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएगा। एक सेफ्टी डिवाइस काम करता है। लो प्रेशर पे LP जो स्विच रहता है लो प्रेशर पे वर्क करता है। HP प्रेशर स्विच जो रहता है ये हाई प्रेशर स्विच है। या पर हमारे एयर कंडीशनर में अगर गैस ज़्यादा हो गया, कोई कारणवश गैस ज़्यादा हो गया, हाई प्रेशर हो गया, या AC में हमारा कंडीशनर फैन नहीं चल रहा है तो कंडीशन में हमारा प्रेशर ज़्यादा हो सकता रहेगा, या फिर अगर कंडेंसर वाला डस्ट हो गया है उसमें कंडीशन में हाई प्रेशर हो सकता रहेगा। बहुत से रीजन हो सकते रहेंगे सिस्टम में गैस का प्रेशर हाई होने की वजह से, या एम्बियंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो कंडीशन में भी गैस का प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इसमें HP स्विच जो नहीं लगा रहेगा, सेफ्टी स्विच जो स्विच रहते हैं डिवाइस नहीं लगे रहेंगे, तो कंडीशन में प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो पाइप रहते हैं, कॉपर पाइप रहते हैं, कहीं ना कहीं ये फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता रहेगा, डैमेज हो सकते रहेंगे, यानी ज़्यादा नुकसान हो सकता रहेगा। वो सबको सेव करने के लिए, सेफ्टी के लिए जो HP प्रेशर स्विच लगाया जाता है। HP प्रेशर स्विच जो रहता है 415 PSI या 300 350, अलग अलग सिस्टम पे, छोटे सिस्टम है या बड़े सिस्टम है, सिस्टम के गैस के प्रेशर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका सेटिंग रहता है। अलग अलग HP स्विच LP स्विच जो है अलग अलग गैस के ऊपर डिपेंड रहता है कि ना कौन सा गैस है, उनका कितना सेटिंग रहेगा, वो उसका हमारा दूसरा स्पेशल वीडियो बना देंगे अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो। तो नॉर्मली जो हमारा HP LP स्विच का इसका पूरा नाम रहता है, LP का लो प्रेशर स्विच, HP का हाई प्रेशर स्विच, ये आपने जाना। ये क्यों लगाया जाता है, ये जो हमारा एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। HP स्विच जो रहता है ये एक प्रेशर स्विच है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी के लिए हमारे कंडीशन में लगाया जाता है। अगर ये HP LP स्विच जो रहता है अगर इसमें ख़राब हो जाएगा तो सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा, या फिर डायरेक्ट हो जाए, या डायरेक्ट नहीं चलेगा बल्कि वर्क नहीं करेगा, सिस्टम जो हमारा स्टार्ट नहीं होगा अगर ये HP LP स्विच ख़राब हो जाएगा। इसको चेकिंग करने के लिए हमारा दूसरा पेट के लिए वीडियो बनाया हुआ है, थ्रू के लिए वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते रहेंगे। अगर आपको इसमें कुछ जानने सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।
हमारे इस चैनल को और भी वीडियो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, जिससे कोई भी तरह से लेटेस्ट वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके देख सके। हमने कहा था आपको ऑनलाइन काम दिलाने के लिए, हमें बहुत से कस्टमर क्लाइंट जो हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, जो हमें बुलाते हैं काम के लिए, तो हम दूर रहते हैं, सभी के पास नहीं जा सकते हैं। तो हमने आइडिया निकाला है आपके एरिया से अगर कोई भी कस्टमर हमें बुलाएगा तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर दे देंगे या कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने एरिया के जैसे दिल्ली, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर और लोकल एड्रेस जो रहता है आपका हमें कमेंट में दे दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर हमें कॉल देगा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर दे देंगे या कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जो ऑल बेल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन कर दें, जिससे कभी कोई वीडियो थिर के लिए प्रेट के लिए कुछ बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके देख सके। आप वीडियो नेट ऐसे नए लोग पास शेयर करें, जो लोग इसी का काम सीखना चाहते हैं या फील्ड में आना चाहते हैं या सबके नॉलेज रखना चाहते हैं उन लोग पास शेयर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।